अब जो है दोस्तों, हम आपको पैरामीटर बनाना बताएंगे कि हम जो है कैसे पैरामीटर बनाते हैं और किस किस हिसाब से बनाते हैं कि हमको मतलब जो है शीट काटने में दिक्कत ना हो, कितना जो है कितनी मात्रा में गैस यूज करनी है, कितनी स्पीड यूज करनी है और जो है मशीन की बाकी सारी चीजें कितनी कितनी जो है वो डालना है हमको। तो हम सबसे पहले लेयर में जाते हैं। लेयर में गए, जैसे कि हमारा ये लेयर का पूरा चार्ट खुल गया है। चार्ट खुलने के बाद हमको जो है अभी ये हमारा 3 mm का पैरामीटर इसमें खुला हुआ है। तो हमको जैसे अगर 6 mm या 8 mm का पैरामीटर चाहिए तो हम जो है अपना जो है स्पीड जो कि ये 3 mm का है 4000 पे है, तो उसी हिसाब से हम 8 mm का जैसे अगर बनाते हैं तो हम इसकी स्पीड ले जाएंगे करीब करीब 1200 या 1300 ले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्पीड 1300 कर दी। और ये लिफ्ट हाइट होती है। लिफ्ट हाइट का मतलब है कि मशीन जब काट के उठती है, उठने के बाद जो है पार्ट को लड़े ना या उसको क्रॉस करके निकल जाए, तो उसी हिसाब से हमें लिफ्ट हाइट डालते हैं। लिफ्ट हाइट जैसे इसमें 25 दे रखी है तो ठीक है, नॉर्मली है, तो हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद नोजल हाइट, इसका मतलब ये है कि सीट से नोजल की कितनी दूरी रहनी चाहिए। तो इसमें 0.6 हमने दे रखा है। तो इसमें जो है 0.6 सीट मटेरियल और हेड के नोजल की दूरी के बीच का गैप है, ताकि मशीन जो है सीट में रगड़ के ना चले नोजल। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है गैस टाइप कि हमको जो है लोहा है या स्टील है, तो हमको किसमें काटना है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ऑक्सीजन है, लोहा है तो हमने ऑक्सीजन अपना डाल रखा है। तो स्टील होती है तो उसमें नाइट्रोजन या एयर से काट सकते हैं। फिर उसके बाद है गैस का प्रेशर, हमको उसमें प्रेशर कितना देना है। तो ये प्रेशर रहता है हमारा कटिंग के अकॉर्डिंग। फिर हमारी जो है कटिंग जो है कितनी अच्छी कितने प्रेशर पे आएगी। जितनी थिकनेस ज़्यादा रहती है उतना ही प्रेशर लो रहता है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो लोहे को जो है जलाने लगती है। जैसे कि अगर हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो उसमें मशीन चलेगी, तो शील्ड जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो उसमें जो है एक आग टाइप की निकलती है लेजर बीम, तो वो गला देगी। तो उसी हिसाब से हमको मेंटेन रखना पड़ता है कि कितना प्रेशर हमको चाहिए कि जो है हमारी कटिंग अच्छी आए। फिर उसके बाद नीचे ये मशीन की पावर हमको कितनी देनी है। तो हम जैसे 8 mm काट रहे हैं तो हम मशीन की पूरी पावर देंगे। तो ये 3 kW की मशीन है तो पावर हमने 100% कर रखी है। और नीचे ये 3000 पावर, इसमें 3000 वाट जो है इसमें शो हो रहा है। तो उसके बाद ये ड्यूटी साइकिल है कि मशीन जो है मशीन की ड्यूटी साइकिल 100% इसमें दे रखा है। फिर उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो ये मशीन के पैरा जो है फ्रिक्वेंसी में 1000 इसमें दे रखी है। और उसके बाद जो है ये हमारा फोकस है। फोकस भी हम कटिंग के अनुसार ही जो है मटेरियल के ऊपर बात रहती है कि कितना फोकस में लग जाएगा। ये इसमें 4 दे रखा है, 4 भी हो सकता है या ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसे मतलब फिक्स नहीं रहता, जैसे कि हमारा गैस प्रेशर उसी हिसाब से फोकस रहता है, ये हमारा फिक्स नहीं रहता। जैसे हमारा ये पैरामीटर बन गया तो हमने इसको जो है 8 mm में करना है। तो यहाँ MS02 है और इसमें जो है थिकनेस यहाँ पे हमने 8 mm ऐड कर दी। और नोजल हमको इसमें कौन सी यूज करनी है, तो हम 8 mm में 2 की या फिर 3 की डबल नोजल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 mm डबल कर दिया, डबल नोजल हो गई। और यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हमको अब यहाँ लिख देना है कि ताकि हमको याद रहे कि हमारा ये पैरामीटर इतने mm पे चलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 8 mm MS। और SS होगा तो हम SS डालेंगे, या एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम डालेंगे। जो भी मटेरियल होगा उसी हिसाब से पैरामीटर हम अपना सेट करेंगे। और हमको ध्यान रहे तो हम यहाँ पे इसमें O2, ये ऑक्सीजन का मार्ग देता है, तो हमने यहाँ पे जो है O2 डाल के इसको सेट कर दिया है। तो ये हमारा, अब हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि हमारा लाइब्रेरी में 8 mm शो कर रहा है। ये हमारा 8 mm का पैरामीटर है। जब भी हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वही आ जाएगा जो हमने अपना सेव कर रखा। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग, अच्छा मटेरियल होगा तो चलेगा, उसके अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा बहुत चेंज करने पड़ते हैं। वो जो नॉर्मली होते हैं जो हर कोई ऑपरेटर जो है कर लेता है अपने हिसाब से, जो ये कोई मतलब फिक्स चीजें नहीं रहती है। जो है अपने मटेरियल, कभी कभी हार्ड मटेरियल आता है, कभी कभी मतलब जो बढ़िया मटेरियल आ जाता है, या कभी कभी जंग लगाता था, उसके मटेरियल के हिसाब से जो है और उस पर डिपेंड हमको करना पड़ता है। तो
और इसी हिसाब से हम आपको जो है अब SS के पैरामीटर पे ले चलते हैं। ये जो है हमारा ये हो गया अब SS का पैरामीटर। दोबारा आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं कि हमको जो है SS के पैरामीटर जो है बनाना है। तो यहाँ पे MS हो गया है, ये हम मार्किंग का पैरामीटर हमने बना रखा था पहले ही, बैकअप में गए अपना प्रोग्राम फाइल, ये हमारे इसमें प्रोग्राम पड़े हुए हैं, हम देखना पड़ेगा इसके में। अभी जो है नई मशीन है तो हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है। मटेरियल लाइब्रेरी में हमारे सारे पड़े हुए हैं, ये पैरामीटर हमारे सारे इसमें बने हुए हैं। तो हम इन्हें के हिसाब से हमारे एल्युमिनियम, AL मतलब एल्युमिनियम है, BR मतलब ब्रास है, COP मतलब कॉपर है, और ये GI मतलब GI शीट आती है जो मिक्स रहता है, मिक्सर रहता है। जैसे हम अपनी मान लो आपकी टीन वो GI उसमें आती है, तो उसी हिसाब से